नमस्ते दोस्तों मैं अंशु कुमार आप सभी का स्वागत करती हूं पूछे अपना सवाल में जिसमें आप हमसे खेती बाड़ी और पशुपालन से जुड़े हुए सवाल पूछते हैं और हम देते हैं आपके सवालों के जवाब तो दोस्तों अगर आपका भी है कोई सवाल तो देर किस बात की तुरंत फ़ोन उठाइए और अपना सवाल पूछिए फोन के अलावा फेसबुक व्हाट्सएप और ई के जरिए भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं और पूछ सकते हैं अपना सवाल आज आपके सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं हमारे कृषि विशेषज्ञ डॉक्टर अवधेश शुक्ला जी शुक्ला जी आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में धन्यवाद तो दोस्तों अपने कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और फोन लगाते हैं पंकज पाल जी को जो कि उत्तराखंड के रहने वाले हैं और जानते हैं क्या है इनका सवाल हेलो हेलो पंकज पाल जी बात कर रहे हैं जी मैम नमस्कार सर मैं अंशु बात कर रही हूँ ग्रीन टीवी से जी मैम जी सर आपका सवाल आया था हाँ जी सर पूछिए अपना सवाल मैडम मेरे को डेरी डेरी खोलनी मेरे को लोन चाहिए इसके लिए देखिए डेरी आप बोल कहाँ से रहे हैं उत्तराखंड से जी मैं जी सर उत्तराखंड विकास नगर से कौन सा जिला है आपका देहरादून देहरादून देखिए आपको इसके लिए लोन चाहिए जी तो इसके लिए आपको देहरादून में डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर विकास भवन होते हैं इनमें जो है वो जिला पशुधन अधिकारी से आपको संपर्क करना पड़ेगा हाँ और एक प्रार्थना पत्र आपको देना पड़ेगा कि हमको डेयरी खोलनी है तो डेयरी खोलने के लिए आपको फिर वो जगह का निर्धारण होगा कि जिस जगह पर डेयरी खोलनी है वो डेयरी के लिए उपयुक्त है कि नहीं है जो लोन आपको दिया जा रहा है उसके लिए आपके पास इतनी प्रॉपर्टी है कि नहीं है इन सब बातों का ज्ञान करने के बाद फिर वो आपको जो है और आप डेयरी खोल सकते हैं जी सर कोई और सवाल नहीं मैम बस ही सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए सवाल पूछने के लिए तो दोस्तों इसी के साथ आइए बात करते हैं अपने अगले कॉलर से सुजीत जी से जो कि झारखंड के रहने वाले हैं और जानते हैं क्या है इनका सवाल हेलो सुजीत जी बात कर रहे हैं हाँ नमस्कार सर मैं अंशु बात कर रही हूँ ग्रीन टीवी से जी मैम बोलिए सर आपका सवाल आया था जी सर पूछे अपना सवाल मैम मैं झारखंड से बोल रहा हूँ यहाँ पे हाइड्रोपोरोनिक सिस्टम से जी। वो खेती करना चाहता हूँ जिसमें पानी के, तो उसमें जो एनपीके के डाला जाता है वो कहां से मिलेगा या फिर अपना बनाना है तो कैसे हम बनाएंगे देखिये एनपी आप खुद तो बना ही नहीं सकते सर हाँ इस ये फैक्ट्री से मैन्युफैक्चरिंग होता है और इसमें थ्रो केमिकल्स बनता है ये पहली बात दूसरी बात यह है कि इसको प्राप्त करने के लिए जी सर आप एग्रो की बहुत सी दुकानें हैं जो फर्टिलाइजर्स का सेल करती हैं गवर्नमेंट की तरफ से हैं ये जी सर और गवर्नमेंट के जहाँ सीड स्टोर होते हैं वहीं फर्टिलाइजर के भी स्टोर होते हैं गवर्नमेंट के वहां से भी ले सकते हैं दूसरे दूसरे जो जिला कृषि अधिकारी के यहाँ से लाइसेंस इशू कराने के बाद जो दुकानें खुलती हैं प्राइवेट दुकानें जी उनसे भी आप ले सकते हैं सर ये ऑर्गेनिक भी रहेगा या सिर्फ केमिकल भी मतलब इनऑर्गेनिक रहेगा या ऑर्गेनिक भी मिलता है सर इसमें देखिए ऐसा है कि नाइट्रोजन के लिए आप यूरिया इस्तेमाल कर सकते हैं जी सर फास्फेट के लिए सिंगल सुपर फास्टफेट या डबल सुगर फास्टफेट इस्तेमाल कर सकते हैं पोटास के लिए म्यूरोटा पोटास का इस्तेमाल कर सकते हैं और ये सब आपको बड़ी आसानी से आपको उसी जो आपने जगह बताई है उनसे उपलब्ध हो जाएगा जी सर।, जी सर कोई और सवाल बस यही मैम जी सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए ये सवाल पूछने के लिए जी सर। तो दोस्तों इसी के साथ आइए बात करते हैं अपने अगले कॉलर से किरण जी से जो कि लुधियाना की रहने वाली हैं और जानते हैं क्या है इनका सवाल हेलो हेलो किरण जी बात कर रही हैं यस yes, मैम नमस्कार मैम मैं अंशु नमश्कार. बात कर रही हूँ ग्रीन टीवी से थैंक यू मैम फोन करने के लिए जी मैम आपका सवाल सवाल आया था मैम yes, मैम अपना सवाल। हमने जो पूछना है कि हमारे ना जो भैंस रखी है घर में जी है ना उसके हमने दो बार टीके लगवाए डॉक्टर से प्रेगनेंसी के लिए जी पर हमेशा हो जाता है कि है टीके खराब निकल जाते हैं तो कुछ भी वो प्रेगनेंट वो केस खराब हो जाता है जी तो हम ऐसा क्या उसको दवाई या कोई भी प्रोडक्ट चाह रहे जो ऐसा ना हो क्योंकि अब वो भैंस चार साल चार पांच साल की हो गई है तो दो तीन बार उसका केस खराब हो गया जी तो ऐसा क्या करें हम क्योंकि हमारे डॉक्टर की बहुत प्रॉब्लम है जब तक टीका लगवाते हैं चार पांच महीने निकल जाते हैं और बाद में डॉक्टर आकर कहते हैं कि जे तो टीका खाली निकल गया देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि इसके लिए आपको वेटनरी डॉक्टर से ही संपर्क करना बहुत जरूरी रहेगा ठीक है सर पर आ, आ, सर डॉक्टर जहाँ पर बहुत दूर है हमारे पहुँच से क्यूँकी हम गांव में रहते हैं तो डॉक्टर तो शहर से ही आते हैं तो अब देखिए इसके लिए तो सबसे बड़ी बात यह है कि उसकी जब तक उसकी पूरी डायग्नोसिस ना हो कि क्या उसमें कमियां हैं हाँ जी उसके बाद ही उसके लिए कोई जो है ट्रीटमेंट किया जा सकता है तो वो सिर्फ केवल वेटनरी डॉक्टर से ही आपको संपर्क करना पड़ेगा सर ऐसा हो सकता है कि हमारे पास जो, जो शहर में यूनिवर्सिटी है वो पशुपालन के हिसाब से ही बनी हुई है वहाँ पर हम अपने पशु को ले जाकर चेक करवा सकते हैं। हाँ बिल्कुल अगर आपका वहाँ पर कोई आई आई का इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट का या कोई अनुसंधान केंद्र है जो पशुपालन का काम करता है हाँ जी तो वहाँ भी वेटनरी डॉक्टर की ही तरह और लोग जो होते हैं वो उसी क्वालिफिकेशन के होते हैं तो वो आपकी समस्या का समाधान कर देंगे ओके okay, सर जी मैम आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए सवाल पूछने के लिए थैंक यू मैम जी सर जो किरण जी की प्रॉब्लम है ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स होंगे जो उनका डॉक्टर जो होते हैं वो काफ़ी दूर होते हैं और गांव में वो नहीं आ पाते हैं कोई ऐसा मतलब स्कीम गवर्नमेंट की या कुछ ऐसा नहीं है जिससे कि डॉक्टर्स जो है वो गांव-गांव घूमें क्या प्रॉब्लम है कुछ ऐसा देखिए तहसील स्तर पर जी गवर्नमेंट ने तहसील स्तर पर जब वेटनरी हॉस्पिटल्स खोल दिए हैं जी तो उनके कंपाउंडर हैं जी जो अगर आप

तो जिस समय आप सिंचाई करते हैं तो आप एक हेक्टर के लिए चार लीटर क्लोरोपारीफास ले लीजिए, और जो आप यहां से पानी जा रहा है तो जो मेन आपकी जो नाली है उस पर आप ऐसा करें कि एक कच्चा घड़ा लेकर के ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है पूछे अपना सवाल में दोस्तों आइए बात करते हैं अपने अगले कॉलर से जो है पुनीत जी पंजाब के रहने वाले हैं और जानते हैं क्या है इनका सवाल हेलो हेलो पुनीत जी बात कर रहे हैं हाँ पुनीत जी नमस्कार सर मैं अंशु बात कर रही हूँ ग्रीन टीवी से हाँ जी हाँ जी जी सर पूछे अपना सवाल मैडम चंदन की टिश्यू कल्चर के बारे में जानना था जी जी देखिए आप रहने वाले हैं पंजाब के बिल्कुल पंजाब के रहने वाले हाँ तो देखिए मैं आपको बता दू कृषि विश्वविद्यालय पंजाब या कृषि विश्वविद्यालय हिसार हरियाणा हाँ जी जी इनसे आप संपर्क करें सर यहाँ पंजाब में किसी को जानकारी नहीं है चंदन की देखिए आपने सभी डिपार्टमेंट में घुमाया वो कह रहे हैं चंदन के बारे में हमें नॉलेज ही नहीं है चंदन पंजाब में लग ही नहीं सकता देखिए देखिये अपने घर पे लगाया था हमारे घर में उग गया चंदन का हाँ देखिए ऐसा मैं बता दूँ आपको चंदन बगैर गवर्नमेंट की परमिशन के लगाया ही नहीं जाता है ठीक है पता है है मुझे गवर्नमेंट लेकिन उसका, हमने सैंपल लगाया था सर उसका, लाइसेंस लेना पड़ता तो जी, उसके लिए आपको व्यस्त यही है कि आप जो टिश्यू कल्चर के से बने हुए प्लांट है जी, जी। वो आप वहीं से लेंगे तो आपको अगर यहाँ हिसार में या पंजाब एग्रीकल्चर कॉलेज में नहीं आपको कुछ मिल रहा है इंफॉर्मेशन बिल्कुल जी तो आप जी। इसका सबसे बड़ा जो केंद्र है वो है अनुसंधान संस्थान कानपुर कानपुर में है। जी वहाँ से आपको बड़ी पूर्वक आपके इसके पौधे मिल जाएंगे और उनसे ला करके आप लगा सकते हैं सर कोई और सवाल धन्यवाद सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद चंदन की बात करें तो चंदन जो पेड़ है वो कितने दिनों में तैयार हो जाता है पूरा देखिए ये तो एक तो उसके विकास के ऊपर है कि वहां का जो जलवायु है उसके लिए कितनी अनुकूल है लेकिन ये है कि 10-15 दिन साल से पहले 10-15 साल से पहले अगर हम उसको काटेंगे तो उतना अच्छा चंदन नहीं होगा क्योंकि जब ये पक जाता है तब इसमें ज्यादा और इसीलिए जो चंदन के पुराने वृक्ष हो जाते हैं इतन, इतनी ज्यादा मतलब महक आ जाती है उसमें इतना ज्यादा सेंट हो जाता है कि उसके चारों तरफ वाले निपट जाते हैं जी सर तो दस पंद्रह साल से पहले उसको टच नहीं करना चाहिए जी सर तो दोस्तों इसी के साथ आइए बात करते हैं अमिताभ रंजन जी से जो कि बिहार के रहने वाले हैं और जानते हैं क्या है इनका सवाल हेलो हेलो अमिताभ जी बात कर रहे हैं आप कौन से बोल रहे नमस्कार सर मैं अंशु बात कर रही हूँ ग्रीन टीवी से नमस्कार नमस्कार मैडम जी सर आपका सवाल आया था हाँ केला के बारे में आया था केला में दीमक लग रहा है जी देखिए केला में जो आपका दीमक लगा हुआ है जी तो जब आप केला में सिंचाई करते हैं अच्छा। तो आपने उसमें केला के चारों तरफ थावले बना रखे होंगे जी जी हाँ सर अच्छा तो जिस समय आप सिंचाई करते हैं जी हाँ। तो आप एक हेक्टर के लिए चार लीटर क्लोरोपारीफास ले लीजिए और जो आप जहाँ से पानी जा रहा है तो जो मेन आपकी जो नाली है उस पर आप ऐसा करें कि एक कच्चा घड़ा ले करके और उसमें वो चार लीटर जो आपका क्लोरोपारीफास है उसको भर दीजिए और नीचे से हल्का सा छेद कर दीजिए जिसमें बराबर एक एक बूंद टपकता रहे जी जी जी। और उस नालिक पर रख दीजिए जी तो वो जो सिंचाई आप करेंगे जिस समय तो वो जो पानी जाएगा उस पानी के साथ भी जाएगा जी हाँ और जब वो जाकर के वहां पर सेचुरेट करेगा नमी को तो उसके बाद आपका जो दीमक है वो समाप्त हो जाएगा जी सर जी सर जी सर कोई और सवाल जी हाँ मंगरेला का खेती किए हैं कि कोई ऐसा जो स्प्रे करे जो बढ़िया हो जी हाँ तो एक तो यह है कि आप जिस वक्त फसल आपका 25-30 दिन की हो जाती है जी तो आप एक परसेंट यूरिया का स्प्रे कर दे जी हाँ तो उस, और दूसरा ये है कि उसमें खरपतवार ना होने दें खत निकोनी करोनी तो करवा रहे हैं सर अभी तो हम लोग खेत में ही हैं जी निकोनी हो रहा है उसी में एक इफको का फास्फेटिक यूरिया देखे थे इसीलिए जानकारी लेना चाहते इफको का इफको का सत्रह चौवालीस है फास्फेटिक यूरिया सत्रह नाइट्रोजन चौवालीस फास्फोरस अच्छा जी देखिए ऐसा है कि उसमें नाइट्रोजन और फास्फेट दोनों ही होते हैं जी लेकिन जब फसल खड़ी हुई होती है तो खड़ी फसल में फिर इसको डालने की आवश्यकता इसलिए नहीं है कि फास्फेट को हमेशा फसल लगाने से पहले इस्तेमाल किया जाता है और नाइट्रोजन को बाद में आधा फसल लगाने से पहले और आधा बाद में टॉप ड्रेसिंग के रूप में या स्प्रे के रूप में इस्तेमाल करते हैं जी जी, जी। तो ऐसी दशा में आप ये फर्टिलाइजर जो है बाद में डालने की आवश्यकता नहीं है जी सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए सवाल पूछने के लिए जी नमस्कार अगर हम केले की बात करें तो केले केले की कौन कौन सी उन्नत बीज होती हैं? देखिए ये जो केला है इसकी जो उन्नत प्रजातियां हैं वो है वो रामभोग और हरी छाल केला सर ऐसा भी होता है कि हर स्टेट वाइज जो है वो प्रजाति चेंज हो जाती है हाँ देखिए स्टेट वाइज भी हो जाती है और डिमांड के ऊपर भी हो जाती है अब जैसे हरी छाल का केला है इसको पकाया भी जाता है और सब्जी के रूप में भी तो जहाँ इसकी डिमांड सब्जी में बहुत ज्यादा है वहाँ हरी छाल का केला काम करते हैं खेती साउथ इंडिया में आ, जी, और जो आपका महाराष्ट्र है इसमें बसराई दफार्फ ये बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं हमारे यहाँ जो है ये रामभोग को इस्तेमाल करते हैं रामभोग की ज्यादा खेती होती है और हरी छाल की ज्यादा खेती होती है जी सर तो दोस्तों फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का ब्रेक के बाद बात करेंगे कुछ और कॉलर्स से और देंगे उनके सवालों के जवाब यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए हाँ देखिए ऐसा है कि ये जो भूमिगत जड़े हैं अच्छा जी इनके लिए फास्फेट की बहुत ज्यादा आवश्यकता पड़ती है जी जी। और फास्फेट में आप सिंगल सुपर फास्फेट जो है वो मार्केट से ले सकती है अब अच्छा सवाल ये है कि जो आपने चुकंदर लगा रखा है या मूली लगा रखी है उसमें तो अब इस समय देने से कोई आवश्यकता नहीं, नहीं है अब उनको देने की जब खेत की तैयारी करते हैं उस समय 250 सौ क्विंटल से लेकर के 300 सौ क्विंटल पर हेक्टर ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है पूछे अपना सवाल में दोस्तों आइए बात करते हैं अपने अगले कॉलर से जसप्रीत जी से जो कि पंजाब के रहने वाले हैं और जानते हैं क्या है इनका सवाल हेलो हेलो जसप्रीत जी बात कर रहे हैं नमस्कार सर मैं अंशु बात कर रही हूँ ग्रीन टीवी से जी।, जी सर आपका कोई सवाल आया था जी सर पूछे अपना सवाल मैंने गेहूं बीजी थी जिसको अभी साठ दिन हुए हैं अभी बीजे को बुआई हुई को लेकिन वो साठ दिन में ही अभी पल्ला निकलने लगी छोटी चोट छोटी इसकी अभी लंबाई गेहूँ एक फुट है जी उसकी लंबाई तीन फुट होनी चाहिए जी। आपने गेहूं बोया कब था कि मैंने अक्टूबर के आखिरी दिनों में बोआ था अक्टूबर लास्ट में हाँ लास्ट अच्छा उसके बाद जब आपने बोया था तो इसमें कौन कौन से आपने फर्टिलाइजर और खाद डाली थी इसमें डाई डाला था दा, हाँ। जिसे कहते हैं ठीक हाँ, है कितना डाला था इसमें डाला था पचास किलो एक एकड़ में। एक एकड़ में में एक चार किलो पचास किलो मतलब एक कट्टा हाँ जी हाँ जी ठीक है और क्या कोई गोबर की खाद या कंपोस्ट खाद भी आपने खेत की तैयारी के समय डाली थी हाँ थोड़ी डाली थी खाद अच्छा आ, अब आपने जो पहली सिंचाई की होगी तो 21 दिन पर जब सिंचाई की थी तब ड्रेसिंग की इसमें तीस दिन बाद हमने सिंचाई की थी जी, जी यूरिया डाला यूरिया कितना यूरिया का आपने डाला एक थैला यूरिया का डाला अच्छा जी अब दूसरा डालना है लेकिन उससे पहले उसमें निकलने हो गया। जी। तो सबसे बड़ी बात तो यह है सिंचाई गेहूँ कर देनी चाहिए और दूसरी हाँ। सिंचाई जो है चालीस पैतालीस दिन पर होनी चाहिए और उसी समय तुरंत दूसरी ट्रॉपरेसिंग भी हो जानी चाहिए तो जो दूसरी, दूसरी ट्रॉपरेसिंग से पहले बारिश हो गई तो खेत में गिल ज्यादा थी नमी थी कोई बात नहीं, नहीं अगर बारिश ठीक है बहुत अच्छी बात है जब हमें पर्याप्त नमी मिल गई है तो हमें कोई जरूरत नहीं है सिंचाई करने की लेकिन हमको हाँ। समय से दूसरी नाइट्रोजन की कर देनी चाहिए थी हाँ। वो लेट हो चुकी है इसी वजह से जो उसकी जो बाल निकल रही है वो छोटी निकल रही अच्छा तो ये गर्मी का कारण भी तो हो सकता है कुछ भी गर्मी बढ़िया सर्दी नहीं हुई ज्यादा देखिए ऐसा है कि जो जहाँ से आप बोल रहे हैं इस समय वहाँ का टेम्परेचर जो है कितना है ये तो जो मैंने थी उससे दिन बाद वो अभी तक ठीक है उसमें भी अभी एक ही यूरिया डाला मैं नहीं ठंडक कितनी पड़ रही है ठंडक तो अभी कम ही पड़ रही है हाँ तो देखिए ऐसा है कि जब ग्रोथ होती है तो ग्रोथ के समय जो है ठंडक काफी होनी चाहिए ठंड बहुत कम पड़ रही है हाँ ठंड कम पड़ रही है इसका भी इफेक्ट हो सकता है ठीक है जी सर कोई और सवाल नहीं सर थैंक यू जी सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए सवाल पूछने के लिए तो दोस्तों इसी के साथ आइए बात करते हैं अपने अगले कॉलर से आशा सिंह जी से जो कि लखनऊ में रहती हैं और इन्होंने हमें व्हाट्सएप ऑडियो भी भेजा है तो आइए बात करते हैं इनसे और देते हैं इनके सवालों के जवाब हेलो हेलो आशा जी बात कर रही हैं हाँ जी बोलिए नमस्कार मैम मैं अंशु बात कर रही हूँ ग्रीन टीवी से मैम आपका सवाल आया था व्हाट्सएप ऑडियो आपने भेजा था हाँ जी वो पेड़ के बारे में ना जी जी मैम जी जी बोलिए जी मैम पूछे अपना सवाल अरे वो पूछा था चुकंदर और गाजर और ये मूली के लिए जो प्लांट लगाते हैं उसकी मिट्टी किस प्रकार हो कि जो मतलब मूली अच्छी लंबी बैठे मोटी और ये चुकंदर हमने लगाया है लेकिन वो छोटे छोटे से आए मतलब वो चुकंदर हाँ, हमने पूछा था आपसे हाँ देखिए ऐसा है कि ये जो भूमिगत जड़े हैं अच्छा जी इनके लिए फास्फेट की बहुत ज्यादा आवश्यकता पड़ती है जी, जी। फास्फेट में आप सिंगल सुपर फास्फेट जो है वो मार्केट से ले सकती हैं। अब अच्छा। सवाल इस ये है कि जो आपने चुकंदर लगा रखा है या मूली लगा रखी है जी। उसमें तो आप इस समय देने से कोई आवश्यकता नहीं, नहीं है अब उनको देने की अच्छा। जब खेत की तैयारी करते हैं जी। उस समय 250 सौ पचास क्विंटल से लेकर के 300 सौ क्विंटल पर हेक्टर जी। तो आपको गोबर या कंपोस्ट की खाद डालनी चाहिए जी। और बीस किलो नाइट्रोजन साठ किलो फास्फेट और चालीस किलो पोटास पर हेक्टर इसमें इस्तेमाल करते हैं जिसको फास्फेट और पोटास को जो है पूरी तरीके से खेत में अंतिम समय पर जब आप बोने जा रही हैं तब उसको अच्छी तरीके से खेत में मिला देना चाहिए तो आपका चुकंदर मूली गाजर जो भी है ये इसका जो जड़ है वो मोटी हो जाएगी जी, जी मैम कोई और सवाल बस बस इतना ही पूछना था मैम बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए सवाल पूछने के लिए सर आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी है हमारे सभी कॉलर्स को आप हमारे स्टूडियो में आए और ये तमाम जानकारी आपने हमें दिया इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी धन्यवाद तो दोस्तों एक और निवेदन है आपसे कि अगर आप फोन के जरिए हमसे कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो आप सुबह नौ से शाम के छः बजे तक हमसे पूछ सकते हैं अपना सवाल इसके अलावा व्हाट्सएप फेसबुक और ई के जरिए आप कभी भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं और पूछ सकते हैं अपना सवाल फिलहाल आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही मुझे दीजिए इजाज़त और देखते रहिए ग्रीन टी नमस्ते